एवरीवन, बॉलीवुड मैट्रिक वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, फाइनली जाके इस हफ्ते में रामा राव ऑन ड्यूटी रिलीज हो गई है। पिछले हफ्ते इसको तेलुगु में रिलीज किया गया था, बट हिंदी में आज इसको रिलीज की गई है। तो दोस्तों, मैं मौजूद हूँ सिनेमा का मंदिर गेटी गैलेक्सी में और ये मूवी को लगाई गई यहाँ पे। फाइनली जाके इस मूवी को मैंने देखा दोस्तों। और चलो बातें करते कि रवि तेजा मास महाराजा रवि तेजा की ये मूवी कैसी है। अगर हम मूवी की बात करें तो वन वॉच टाइम बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी में दम है ही नहीं, रियली बता रहा हूँ। सिर्फ मूवी के अंदर क्या अच्छी है मालूम है, वो है एक्शन। मास महाराजा रवि तेजा, इनका जो कॉमेडी टाइमिंग होती है ना, वो मेरे को देखने को नहीं मिला रियल में। उनकी जितनी भी पिछली फिल्में हैं, कितने हंसाते हैं, वो मज़ा आ जाता है, लेकिन इसमें वो कॉमेडी किया ही नहीं उन्होंने जी, बिल्कुल नहीं। बाकी रहा सवाल एक्शन सिक्वेंसेस, सुपर था। लास्ट का फाइट सीन भी बहुत अच्छी थी। तो बोले तो यार, मतलब कि वन वॉच टाइम एक बार आप देख सकते हो रवि तेजा का फैंस है तो। वैसे भी ये तेलुगु में मूवी चली नहीं है, वहाँ पे फ्लॉप हो चुकी है। अब हिंदी ऑडियंस को खाक पसंद आएगी क्योंकि इसमें वही चंदन की लकड़ी की लेके स्टोरी, आप कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि पुष्पा मूवी चल रहा है। और सस्पेंस भी बहुत ज़्यादा दिया है, मतलब कि दिमाग की माँ बहन हो जाती है, इतना सस्पेंस दिया उसमें। तो मिला जुला के ओके ओके मूवी आप एक बार देख सकते हो। और बात करें अगर हम हीरोइन की, तो हीरोइन सारे हीरोइन इसमें नए हैं, नए चेहरे देखने को मिला। तो हीरोइन का तो आप पता नहीं कि कौन सी हीरोइन थी। विलन की बात करें तो वही नसारे हैं, बाकी एक दो विलन जो कि समझ में भी नहीं आया कि विलन भी कौन सी चीज़ है। तो मिला जुला के ओके ओके है। हिंदी ऑडियंस को पसंद नहीं आने वाली ये मूवी, मतलब कि हिंदी में फ्लॉप बोल सकते हैं। अगर आप मूवी की रेटिंग की बात करो तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा दोस्तों 2 स्टार, बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।